पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे ही सही सियासत बदलाव का इशारा दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी मिशन बंगाल का पूरा खाका तैयार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने साफ कह दिया है कि बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बंगाल में भी कमल खिलाना है। और इसी संकल्प के साथ बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष भी अब सूबे में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। माननीय अमित भाई ने बोल दिया 200 सीट, तो हम 200 तो पार करेंगे। बीजेपी मिशन बंगाल को लेकर कितनी गंभीर है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के इस ऐलान से आप समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 साल पहले तक जिस बंगाल की सियासी सरजमी पर बीजेपी का कोई वजूद नहीं दिखता था, वो बीते लोकसभा में अपने प्रदर्शन की बदौलत अब 200 पार का नारा लगाने लगी है। माननीय अमित भाई ने बोल दिया 200 सीट, तो हम 200 तो पार करेंगे। पिछले चुनाव में जाके वो 21 सीट बोले थे 50% लोकसभा में, हमने बोला था 21 जीतेंगे, 18 तो रुक गए, 2-3 हजार 4 हजार में 2-3 सीट हार गए। पश्चिम बंगाल में जो सियासी हालात हैं उसे देखते हुए यहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी का मिशन बंगाल, दीदी बनाम मोदी अब की बार, बिहार विजय झांकी है, बंगाल फतेह अभी बाकी है। बीजेपी के मिशन बंगाल का खाका पूरी तरह तैयार है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार बंगाल में अपनी मौजूदगी जताकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है और यही वजह है कि राज्य में लगातार हो रही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बावजूद भी पार्टी ममता के गढ़ में कमल खिलाने को बेताब है। पश्चिम बंगाल की 292 सीटों के लिए अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। तो इसके साथ ही बीजेपी ने अपने शीर्ष नेताओं को बंगाल का दौरा करने और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रणनीति तैयार करने को कहा है। बीजेपी ने पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटा है और केंद्रीय नेताओं को उनका प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र से पार्टी के बड़े नेता ग्राउंड पर जाकर इन टीमों से मुलाकात करते हैं। कई प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ की अलग प्रॉब्लम है, पहाड़ की है, जंगल महल की है, तो इसलिए उनको 5 जोन में हमने बांटा है, 8-8, 10-10 पार्लियामेंट्री सीट दे करके और अलग अलग कार्यकर्ताओं का टीम लगाया उसमें। ये तस्वीरें इसी महीने के पहले सप्ताह की हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे थे। तब उन्होंने ममता के गढ़ में कमल खिलाने की बात कहकर पार्टी के मिशन को आगाज कर दिया था। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है। हालांकि अब इसे महज संयोग कहा जाए या जानबूझकर खड़ी की गई सियासत, लेकिन पश्चिम बंगाल में मोदी के गुजरात के नाम पर फिलहाल हंगामा खड़ा हो गया है। वजह बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष का वो बयान है जिसमें उन्होंने बंगाल को गुजरात बनाने का दम भरा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस बीजेपी नेता के इस बयान पर तिलमिलाई हुई है। दिलीप घोष हैज ऑलरेडी अर्न्ड नेम एंड फेम एज वन हु मेक्स वेरी इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स। एज आई हैव सेड बिफोर, दिलीप घोष विल नॉट बी एबल टू मेक बंगाल इनटू गुजरात। वी डू नॉट वांट बंगाल टू बिकम लाइक गुजरात वेयर 2000 पीपल वेर किल्ड इन अ कम्युनल राइट। वी ऑल्सो डू नॉट वांट टू फॉलो द गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वेयर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज। पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें लाकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सियासी वजूद को चुनौती दी है और अब बीजेपी ममता के गढ़ में आखिरी कील ठोकने के मूड में है। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।